अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है कबीर खान और आप देख रहे हैं वी हेल्प सेंटर उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है जी कुछ मैं पर्सनल बातें डिस्कस करूँगा इसमें कुछ क्लासेस के बारे में है कुछ जी एडमिशन के बारे में ट्रिप के बारे में फाइन टर्म एग्ज़ाम के बारे में और रिज़ल्ट डेट ग्रैंड पे इसके बारे में वो इंशाल्लाह मैं लास्ट में आके आपको बताऊँगा कि रिजल्ट कब अनाउंस हो रहा है ग्रैंड पेज़ का सबसे पहले जी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं कि जी आप वी यू में क्या जॉब करते हैं और क्या आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं तो जी मेरा नाम कबीर ख़ान है और मैं पिछले छः से सात साल हो गए हैं जो मैं वी यू के साथ काम कर रहा हूँ दो हज़ार तेरह चौदह से मैं काम कर रहा हूँ वी यू के साथ और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ ना मैं टीचर हूँ मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता स्टूडेंट को ना मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं किसी के बारे में आप लोगों को डिटेल बता सकूँ मेरा काम जी स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट काउंसलिंग होती है मैं स्टूडेंट के साथ अटैच रहता हूँ स्टूडेंट की प्रॉब्लम जो होती है उनको हल करता हूँ ट्रिप्स वगैरह अरेंज करता हूँ और बाकी जितनी भी स्टूडेंट को परेशानियाँ आ रही हैं या एडमिशन जब होते हैं तो मैं एडमिशन डेस्क जो है वो डील करता हूँ ठीक है आ, इसके अलावा जी ये मेरी इंट्रोडक्शन थी वी यू में इसके बाद जो है आ, मेरी पर्सनल डिस्कशन मैंने ये करनी थी कि जी मैं इस चैनल का नेम जो है वो चेंज करने लगा हूँ क्योंकि ये चैनल जो है मोनाटाइज होने वाला है एक वन वीक तक मोनाटाइज हो जाएगा ये अप्लाई मैंने कर दिया है तो इन इनेबल हो जाएगी मोनाटाइजेशन तो इसमें जी होगा ये कि कुछ इंटरव्यूज वगैरह अभी कल मैंने एक रिकॉर्डिंग की है आर्मी म्यूजियम पाकिस्तान लाहौर का जो आर्मी म्यूजियम है उसकी रिकॉर्डिंग की है वहाँ पे क्या क्या है और उनकी क्या हिस्ट्री है तो उस बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई है वीडियो तो वहाँ पे अलाउ नहीं थी बट पिक्चर के ज़रिए मैंने वहाँ पे डिटेल इंशाल्लाह मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल और वो इस चैनल पे अपलोड होगी मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इस पर काम स्टार्ट कर लूँगा इसके अलावा इसी तरह बाकी वीडियोज़ वगैरह भी आती रहेंगी इसके अलावा इंटरव्यूज़ वग़ैरह कुछ इंटरव्यूज़ वग़ैरह भी इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे इसके अलावा पब्लिक प्लेस पे जाके कुछ इंटरव्यूज भी किए जाएंगे पब्लिक से जो है गपशप भी की जाएगी इंशाल्लाह जल्द मैं इस पर प्रॉपर काम स्टार्ट करने लगा इस चैनल पर तो आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट चाहिए जैसे आप लोगों ने इस चैनल को प्यार मोहब्बत और सपोर्ट दी है और इतने कम अवस्य में मैंने अपना चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करवा दिया है तो मुझे इस चैनल का एक नेम चाहिए मैं बेसिकली इसका नेम चेंज करने लगा हूँ तो आप लोगों को सजेशन चाहिए मुझे कि कोई अच्छा सा नेम आप मुझे सजेस्ट करें ताकि मैं वो इसमें चेंज कर सकूँ और आप लोगों का प्यार मोहब्बत मुझे ऐसे ही जरूरत है आपकी प्यार मोहब्बत की जी इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हमारा क्लासेस का 11 जनवरी से आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जो वी आपको क्लासेस अरेंज करवाता है या जो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके एल एम पे है वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है जी आप अगर अपना एल एम एस चाहें तो वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं शेड्यूल बता दिया गया है इसके अलावा असाइनमेंट क्विज जी जो आने वाले हैं उनका शेड्यूल भी आपके एल में आ गया है अगर आप किसी क्विज पर जाके क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे शेड्यूल आ जाएगा कि जी आपकी नेक्स्ट क्विज कब आने वाला है और आपका नेक्स्ट असाइनमेंट वगैरह आप जाएंगे तो असाइनमेंट के भी ऑप्शन आ जाएगी कि जी यहाँ पे आपने नेक्स्ट असाइनमेंट कब आने वाली है आपकी और जी टी कब आने वाली है तो वो डिटेल है जी आप वहाँ से देख सकते हैं इसके अलावा कैम्पसे अभी ओपन नहीं है कैम्पसेज uh, जो है फर्स्ट फरवरी से इनशाला ओपन हो जाएंगे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस वक्त इसके अलावा जी जूम पे क्लासेस चल रही हैं हमारी इस वक्त जो नोमेरिकल uh, सब्जेक्ट हैं जैसे सी एस वन जीरो वन है एम टी एच वन जीरो वन एम टी एच थी जीरो टू सी एस टू जीरो वन एम जी टी वन जीरो वन काउंटिंग ये जो थ्योरी की न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं इनकी क्लासेस हमारी जूम पे चल रही हैं अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे कैंपस का नहीं है तो मैं uh, एक नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में हमारे कैंपस का आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नेम और कोड और आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसकी क्लासेस अभी मैंने बताई हैं कि हो रही हैं ठीक हो गए जी तो इसमें मैं जो है नंबर दे दूंगा आप लोगों को तो आप उसमें वो करेंगे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको उसमें ऐड करवा दूंगा फिर आप जूम क्लासेस ले सकते हैं चाहे आप इस कैंपस के हैं चाहे आप किसी और कैंपस के हैं ठीक है तो फर्स्ट फरवरी से जो रिमेनिंग लेक्चर रह जाएंगे इसके अगर फर्स्ट फरवरी तक जो ऑनलाइन चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं इसके बाद जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह कैंपस में ही होंगे इस वक्त हम कैम्पसेज में स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना की वजह से हुकूमत ने हमें अलाउ नहीं किया ना ही हेड ऑफेयर ने हमें अलाउ किया हुआ है इसके बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है अबाउट एडमिशन जो आगे एडमिशन आने वाले हैं जिनके एडमिशन ऑलरेडी मास्टर प्रोग्राम में हो चुके हैं एम सी एस एम आई टी एम बी एट्स जो भी जितने भी मास्टर के प्रोग्राम है अगर जिनके हो चुके हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है बट अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट आ जाता है तो वो कहता है कि जी मैंने मास्टर में एडमिशन लेना है एम सी एस में करना है मैंने या एम बी ए करना है या एम बी एस करना है तो इस वक्त एच ई सी ने साफ क्लियर कट कह दिया है कि दो हज़ार इक्कीस से मास्टर के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं दिए जाएंगे हमें ईमेल आ चुकी है कंफर्मेशन कीजिए आपने एडमिशन का जो है मास्टर uh, में एडमिशन नहीं करने बट फिर भी फरवरी बीस फरवरी तक हमारे एडमिशन ओपन हो जाएंगे फाइनल तब ही होगा जब हमें एडमिशन ओपन होंगे उसी के साथ हमें अनाउंसमेंट भी आ जाती है साथ जात में तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि कुछ स्टूडेंट अगर मैं भी मैं लिस्ट देख रहा था अपने कैंपस पोर्टल पे अगर आप इस कैंपस के हैं या किसी भी कैंपस के हैं वी के तो आपके कोई दोस्त यार बहन भाई कोई भी कज़न वगैरह अगर किसी का फ्रीज़ है और उसने मास्टर में एडमिशन दिया लिया हुआ है और उसने किसी वजह से अपना अकाउंट फ्रीज़ किया हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये लास्ट चांस होगा उनके पास अपना एडमिशन एक्टिव करवाने का अगर इसमें एक्टिव नहीं करवाएंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर से वो मास्टर के में एलिजिबल नहीं होगा ना तो वो दोबारा एडमिशन ले सकता है उसमें और ना ही वो अपना अकाउंट एक्टिव करवा पाएगा तो बेटर है कि आप मार्च तक आपके पास टाइम है आप जो है अपना एल दोबारा एक्टिव करवाएँ आने वाले दिनों में मास्टर प्रोग्राम ख़त्म किया जाएगा इंटर के बाद सिर्फ चार साल की डिग्री होगी जिसको हम बी कहते हैं इसके अलावा एसोसियत डिग्री होगी सात में दो साल की वो चलती रहेगी वो ग्रेजुएशन नहीं होती वो इक्वल टू ग्रेजुएशन डिग्री होती है ठीक है जी तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही थी कि आप लोग जो है जितने भी आपके जाने वाले हैं मास्टर प्रोग्राम के जिनका किसी फैमिली रीज़न की वजह से जॉब रीज़न की वजह से ये जो भी रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने स्टडी स्टॉप की हुई है वो अपनी स्टडी दोबारा एक्टिव करवा लें मेरे जितने कैंपस के स्टूडेंट हैं उनको मैं इंशाल्लाह ख़ुद कॉल करूंगा इनवाइट करूंगा करूँगा उनको गाइड भी करूंगा और इंशाल्लाह उनका मैं एक्टिव भी करवाऊंगा अगर मेरे कैंपस के कुछ स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपके जानने वाले हैं तो उनको आप मेरे पास भिजवा दें और अगर उनके अकाउंट में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो वो भी इन उसमें कंसेशन हो जाएगी उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी वो मैं देख लूँगा जितनी कंसेशन पॉसिबल हुई वो मैं करवा दूँगा हेड ऑफिस से तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी हेड ऑफिस की तरफ से जो हमने आपको हर हाल में देनी थी और इस वीडियो के ज़रिए मेरे ख़्याल में इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैं कोई सी और तरीके से आपको अनाउंसमेंट दे, दे देता इसके बाद ये टॉपिक है हमारा ट्रिप इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है तो बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर ट्रिप लेके जाएं देखें जी ट्रिप हमारा जो जाएगा इंशाल्लाह वो फाइनल टर्म एग्जाम के बाद जाएगा इस वक्त पॉसिबल नहीं है हमारा फाइनल टर्म के क्योंकि इस वक्त एक तो हम कोई पाँच दस स्टूडेंट का ट्रिप तो लेके जाते नहीं कि जी जा सकें हमारे पास फिर पूरे बस भरी होती है उसमें पचास सात स्टूडेंट होते हैं तकरीबन इतने तो लाजमी होते हैं तो इस वक्त गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती इतनी गर्मी पे और तलीमी इदारे ऑलरेडी इस वक्त क्लोज हैं जस्ट स्टाफ अवेलेबल है वो भी आपकी प्रॉब्लम की हल करने के लिए तो आ, इस वक्त ट्रिप पॉसिबल नहीं है और हमारा शड्यूल यही होता है कि जब फाइनल टर्म एग्जाम हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे ही लास्ट एग्ज़ाम एंड हो जाता है तो हमारा उस पर ट्रिप की तरफ से काम स्टार्ट हो जाता है बट इसमें इस, इस वक्त मैं ये कर सकता हूँ कि जब फाइनल टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो तब तक ट्रिप का फाइनल हो गया होगा कहाँ जाना है कितने बजे जाना है कितने डेज के लिए जाना है तो वो आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी उसमें फिर ये है कि ट्रिप एग्ज़ाम के दौरान ही हम पेमेंट वगैरह या जो भी उसकी शेड्यूल होगा वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे तो हम इस वक्त नहीं जा सकते हम तभी जाएंगे लिहाजा इजी रहें ट्रिप लेके जाएंगे ज़रूर लेके जाएंगे इजी रहें हाँ अगर उसमें आप लोग चाहते हैं कि जी किसी ख़ास जगह पर लेके कर जाएँ तो आप सजेशन दे सकते हैं आप कैंपस कॉल करके कैंपस विजिट करके इस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि जी हम ट्रिप कहाँ ले कर उस तो पर फिर हम डिस्कशन कर लेंगे स्टाफ आपस में मैनेजमेंट बिठा के बैठ के जो है डिस्कश कर लेंगे अगर वहाँ पॉसिबल हो तो हम जरूर लेके जाएंगे लिहाजा ले थोड़ा सा वेट कर लें ये मंथ है नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम होने हैं एग्ज़ाम के बाद इन हम जाएंगे ठीक हो गया तो उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे फाइनटम एग्ज़ाम फाइनटम एग्ज़ाम जी वो सत्ताईस फरवरी से हमारे फाइनटम एग्जाम हो रहे हैं और ये कैंपस में ही होंगे ये ग्रैंड क्विज बेस पे नहीं होगा फर्स्ट फरवरी से यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम की डिटेल बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन वेटेज ऑफ सिलेबस एम और सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा इस वक्त जो ख़ास बात यह है कि मुझे माइनस से स्टूडेंट हैं कुछ स्टूडेंट हैं अगर आप कह लें कि हंड्रेड में से हंड्रेड परसेंट में से आ, कोई पाँच परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ग्रैंड क्विज मिस हुए हैं तो आ, मेरी डिस्कशन हुई थी इस बारे में हेड ऑफिस से उन्होंने कहा था कि जी हमारे सर्वर में इस वक्त ब्रिटिज जा रहा है कि जी कितने स्टूडेंट ने क्विज दिए हैं और कितने स्टूडेंट ने क्विज नहीं दिए अब जिन स्टूडेंट का टेक्निकल इशू है टेक्निकल इशू का मतलब ये है कि उनका एलएमएस एम एस नहीं हो रहा या उनके एल एम ब्राउजर में कोई इशू आ रहा है या हेड ऑफिस की तरफ से उसकी आई में कोई इशू आ रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा और उनका दोबारा अटेंड हो जाएगा क्विज़ बट ऐसे स्टूडेंट जिनका वो भूल गए या लाइट नहीं थी या उनका इंटरनेट का इशू था तो उन स्टूडेंट का जो ग्रैंड क्विज है वो रिशड्यूल नहीं होगा ना तो फ़ाइन दे के होगा ना ही वैसे होगा क्योंकि बहुत माइनस से वेटेज है जिनके असाइनमेंट को मिस हुए हैं तो हेड ऑफिस कह रहे हैं कि जी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है वो कह रहे हैं कि जी इतने स्टूडेंट के लिए हम पूरा अपना जो सरवर है वो रिपीट नहीं कर सकते दोबारा हम वो अटेंड नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत माइनस है अगर ये तादाद ज़्यादा होती तो इस बारे में सोचा जा सकता था अब मसला ये है कि जिनके मिस हुए हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आ, टेंशन कह लें या अपने ऊपर उन्होंने हावी किया हुआ है कि जी ग्रैंड कोई मिस हो गया तो हम कैसे पास होंगे अब पासिंग मार्क्स में एक चीज़ और मैंने देखी है एक दो वीडियोज भी मैंने देखी हैं कि आ, कुछ कह रहे हैं कि जी आठ नंबर वाला पास है कुछ कह रहे हैं कि जी पाँच नंबर वाला पास है कोई कह रहा है जी पंद्रह नंबर वाला पास है ऐसा कोई भी आ, अगर आपने कोई वीडियो या कोई वो देखी है तो इस पर बिलीव आपने नहीं करना ये सब झूठ है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मिड टर्म और ग्रैंड क्विज में फ़र्क क्या है सबसे पहले कि जी बात तो यह है कि जो हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम जब कैंपस में होता है तो उसका वेटेज 100 परसेंट में से 35 परसेंट जो है वो हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम होता है 15 परसेंट हमारा असाइनमेंट क्विज जी के मार्क्स हैं और 50 परसेंट हमारा फाइन टर्म एग्ज़ाम होते हैं बट इसमें इस मतलब जो ग्रैंड क्विज हुआ है इसमें जस्ट पंद्रह इसके मार्क्स हैं हंड्रेड परसेंट में से पंद्रह परसेंट मार्क्स हैं अब इसका आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि वेटेज क्यों नहीं बढ़ाई गई इसकी पैंतीस परसेंट क्यों नहीं दी गई उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट ने अब एक क्विज़ है वो दस बच्चे मिल के कर रहे हैं दस स्टूडेंट मिल के एक क्विज़ कर रहे हैं और मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिन्होंने अपना क्विज़ ख़ुद अटेंड ही नहीं किया फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है उसका मैथ अच्छा है या उसका कंप्यूटर पर ग्रिप अच्छी है तो उसने उनसे करवाए कि जी आप बैठें आप ही करें मैंने हाथ नहीं लगाना तो क्या आप लोगों को लगता है कि हेड इस चीज़ का आइडिया नहीं है उनको सब पता है लिहाजा इसकी परसेंटेज इसलिए कम रखी गई क्योंकि ये एम सी बेस पे था और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं थे ना शॉर्ट क्वेश्चन थे एम सी बेस पे तीस जो एम सी हैं उस पर आपको थर्टी फाइव परसेंट नहीं दिया जा सकता लिहाजा ये पंद्रह परसेंट आपके मार्क्स हैं अगर आप हंड्रेड में से पंद्रह परसेंट हटा भी दें तो एटी फाइव परसेंट रह जाएगा 85 परसेंट में आप इजीली पास हो सकते हैं हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है उसमें 50 परसेंट वाला जो स्टूडेंट है वो पास हो जाता है अगर 100 में से आपकी 50 परसेंट मार्क्स होंगे तो आप पास के लाए जाएंगे ठीक हो गया तो लिहाजा आपने अपने सर पर हैवी नहीं करना आप बाकी असाइनमेंट को इस पर ध्यान दें अगर आप सिक्सटी खाली फाइनल भी दे देते हैं तो भी अगर उसमें पचास नंबर ले, ले लेते हैं तो आप पास हैं इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है लिहाजा आपकी जो असाइनमेंट अभी आने वाले हैं उस पर आप ध्यान दें टर्म के जिनका रह गया उनका रह गया छोड़ दें और जिनके नंबर कम आएंगे वो भी टेंशन फ्री हो जाएं इतना सर पे है भी नहीं करना कि जी नंबर कम आ गया जी मैं फेल कोई टर्म में फेल पास है ही नहीं ठीक है जी टर्म में फेल पास है ही नहीं दूसरी बात ये कि फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो ट्वेंटी थ्री लेक्चर में से लेके फोर्टी फाइव लेक्चर में से आएगा और जिनकी टॉपिक हैं उनकी अब वो अपनी अनाउंसमेंट चेक कर लें तो टॉपिक जो आ चुके हैं जिनका बताया गया कि जी इसमें से मिड टर्म एग्जाम आएगा उनको छोड़ के जो बाकी रह जाएंगी उस पर आपका फाइनल टर्म एग्जाम आएगा फाइनल टर्म एग्जाम कैंपस में ही होगा सत्ताईस फरवरी से आपका फाइनल टर्म एग्जाम होंगे डेट शीट जो है वो इन जनवरी की लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में डेट शीट आ जाएगी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि जी आ, कैसे बनानी है डेट शीट या क्या, क्या तरीका क्या होगा बारह डेज बता देंगे उसमें कितने डेज हैं टाइमिंग भी बता देंगे तो जी आखिर में हम आते हैं रिजल्ट डेट पर <coughs> तेरह जनवरी से ले कर पंद्रह जनवरी के दरमियान आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा और सबका एक साथ नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल सी एस का सी एस वालों का जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा फिर अकाउंटिंग वालों का अलग होगा या हो सकता है कि आधा आज हो जाए आधा कल हो जाए लिहाजा कल और परसों आपका रिजल्ट अनाउंस होगा आपके ग्रैंड क्विज़ के आप आ, उसमें क्विज में जाएंगे तो क्विज़ के आगे जो है आपके मार्क्स लिखे होंगे लिहाजा मैं दोबारा एक मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रैंड क्विज में अगर आपके मार्क्स कम भी आ गए तो आपने टेंशन नहीं लेनी आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है फाइनल टर्म एग्जाम अभी बाकी है उसमें जो है आप दोबारा अपना जो है अच्छी तरीके से अपना स्टडी करके आप उसको कवर कर सकते हैं तो जी ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको बतानी थी इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरी इंस्टाग्राम आई डी मुझे जो है आ, मैसेज कर सकते हैं बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से फैंटम एग्जाम के लिए इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगी या कोई इशू होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इन शू के बारे में ऐसे ही वीडियोस तो इस चैनल पे आती रहेंगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि उनको प्रॉब्लम का जो है हल जल्द से जल्द निकाला जा सके थैंक यू सो मच अल्लाह आप सबको खुश रखे अल्लाह हाफिज